वास्तविक का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सबसे बड़ा सर्वे एग्जिट पोल सामने आ चुका है और टिकट ना मिलने के बाद कितना नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है, ये कई बड़े यहां पर सवाल है। इन्हीं सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे। 70 सीटों के लिए जो यहाँ पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन 15 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट काट दिए गए हैं और 15 कौन से विधायक, इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे और आखिर में आपको दिखाएंगे क्या कहता है ओपिनियन पोल। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने पहले 6 महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन इस बार 8 महिलाओं को टिकट दिया है, कितना फायदा इसका होने वाला है। लेकिन मौजूदा 40 ही यहाँ पर विधायकों को रिटेन किया गया है और उनको यहाँ पर दोबारा से मौका दिया गया है, लेकिन क्योंकि 24 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट दोबारा यहाँ पर दिए गए हैं, तो क्या 24 विधायकों ने कुछ काम नहीं किया है? क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी विकास के नाम पर ही वोट मांग रही है, तो क्या 15 जो विधायकों को टिकट काटे गए हैं उन स्थानों पर क्या विकास नहीं हुआ है? तो विकास नहीं हुआ तो फिर किस नाम पर यहाँ पर वोट मांगे जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी में ही कई बड़े जो विधायक हैं जिनके टिकट काटे गए हैं वो यहाँ पर बगावत होता रहा है और इसका कितना नुकसान आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनाव में होगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी अपने विकास के नाम पर वोट मांग रही है और इसके लिए उन्होंने 70 कैंडिडेट के यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है। लेकिन कुछ आंकड़े आपको दिखाए तो विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जो यहाँ पर शुरुआती आंकड़े आपको दिखाए तो नामांकन भरने की तिथि जो है वो 14 जनवरी से शुरू हो चुकी है और नामांकन की अंतिम जो यहाँ पर वापसी डेट है वो 24 जनवरी है और 6 फरवरी तक ही इसके लिए जो है चुनाव प्रचार किए जा सकते हैं। मतदान 8 फरवरी को और 11 फरवरी को इसके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। आखिरकार दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार, क्या जो विकास के नाम पर आम आदमी पार्टी अब वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है, तो क्या उनकी वापसी होगी या फिर बीजेपी जो 20 साल से यहाँ पर सत्ता में वापसी की होड़ में है लेकिन अब तक सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है, इसके लिए कुछ आंकड़े भी निकल कर सामने आ रहे हैं। अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो पिछले 5 साल के लिए जो आंकड़े निकल कर आए हैं 78% लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो काम है वो अच्छा है और नहीं कहने वाले केवल और केवल 19% है। और जो बीजेपी यहाँ पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, उन्होंने सिर्फ 5 महीने में काम किया है, इसको नकारा है जनता ने और कहीं ना कहीं जनता जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। मुख्यमंत्री के तौर पर भी यहाँ पर कई ऐसे जो बड़े नाम बीजेपी ने अपनी तरफ से दिए हैं जिनमें से मौजूदा जो सांसद हैं उनके नाम यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कंफर्म नहीं कर पाई बीजेपी कि आखिर उनकी तरफ से मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन मनोज तिवारी को 54% लोग मानते हैं कि वो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बड़े कैंडिडेट बन सकते हैं। गौतम गंभीर 13, डॉक्टर हर्षवर्धन 22% है, तो कुछ ये बड़े नाम है बीजेपी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर मनोज तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि अब की बार उनकी सरकार जो उनकी योजना है उससे दिल्ली का विकास होगा, तो उनका कहना है कि उनकी इस बार सरकार बन सकती है। और कांग्रेस का भी इस बार दावा है कि उनकी इस बार सरकार बन सकती है, वो दिल्ली के लिए कुछ बेहतर विकास कर सकती है, उनका ऐसा कहना है। लेकिन कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं दिल्ली के लिए। केजरीवाल 70% लोग मानते हैं कि दिल्ली के वो सबसे अच्छे सीएम बन सकते हैं। हर्षवर्धन को 11%, तो यहाँ पर अजय माकन के लिए 7%, कहीं ना कहीं मनोज तिवारी काफी पीछे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के लिए इन सीटों के लिए जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 63% इस बार वोट यहाँ पर प्रतिशत जो है वो उनके पक्ष में जा सकता है। बीजेपी को 26, तो कांग्रेस के सिवा 5% वोट और अन्य खाते में 16% वोट जा सकता है। अगर दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा देखे तो कौन यहाँ पर मुद्दा बन सकता है दिल्ली के लिए, 56% विकास का मुद्दा, और यही मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। हालांकि 15 विधायकों को उनके टिकट काटे गए हैं, तो क्या उन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है, इसका भी काफी असर पड़ने वाला है चुनावी यहाँ पर प्रचार में और कहीं ना कहीं बीजेपी इसका मुद्दा बनाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कई ऐसे कांग्रेस जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं उनको हाल ही में टिकट दिया है और अपने विधायकों को टिकट काट दिए गए हैं, इसके बाद कितना कुछ नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अर्थव्यवस्था को 31% लोग मानते हैं कि ये मुद्दा बन सकता है, सुरक्षा को 6%, अन्य जो मुद्दा बन सकता है वो 7%, ये बड़ा मुद्दा देश के अंदर बन सकता है। तो सारे आंकड़ों को देखने के बाद और टिकट बंटने के हिसाब से आंकड़ों का जो आकलन है, सीटों पर जो आकलन किया गया है, ये कई बड़े एक्सपर्ट लोगों का इसमें ओपिनियन शामिल है, उनके अनुसार बीजेपी 18 से 23 सीटों पर समट सकती है। हालांकि आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं लेकिन इतने नहीं है कि वो सरकार बना लें, और कांग्रेस का खाता खुल रहा है, 3 से 4 सीटें उनके पक्ष में जा सकती है और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है, 39 से 49 सीटों पर आ रही है। नुकसान हो रहा है लेकिन इतना नुकसान नहीं है कि वो सरकार ना बना सके, जनता उनके पक्ष में है। लेकिन
कुछ ऐसे विधायक जिनके टिकट काटे गए हैं, उसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ यहाँ पर उम्मीदवार जो कांग्रेस और बीजेपी से निकल कर गए उनको डायरेक्टली यहाँ पर टिकट दे दिया गया, जिससे पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार और कितनी सीटें किस पार्टी को जा सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। और एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे आपका। नई शुभ, जय हिंद, जय भारत।